चार धाम पर चार नजर। जी हां, उत्तराखंड में आगामी चार धाम यात्रा को देखते हुए चमोली पुलिस के एक दल ने बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और बर्फीले मार्ग को पैदल पार कर बद्रीनाथ धाम पहुंचा। इस दल की अगुवाई की चमोली के एसपी श्वेता चौबे ने। इस यात्रा के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। चार धाम यात्रा पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का आध्यात्मिक श्रृंगार है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु और प्रकृति प्रेमी पहुंचते हैं। सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा और सुरक्षित सफल यात्रा उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकताओं में है। चमोली जिले में श्री बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब पवित्र स्थल हैं, जिनके कपाट खुलने में कुछ ही महीने बाकी हैं। इसीलिए चमोली की पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सुरक्षित यातायात के लिए ढांचागत योजना के तहत चमोली से श्री बद्रीनाथ तक का पैदल सफर तय किया। एसपी श्वेता चौबे ने यात्रा रूट की बारीकियों और संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरा जो यात्रा रूट है उसका सर्वे किया गया, जो भी हमारे संवेदनशील स्थल है या दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनका भी उनका चिन्हीकरण किया गया, कहाँ कहाँ हमारे अस्थायी चौकी और बूथ बनाए जाने हैं, कहाँ कहाँ हमारी फोर्स तैनात की जानी है, उस संबंध में भी एक प्रॉपर सर्वे किया गया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ में बाजपुर चाड़ा, चमोली चाड़ा, बिरही बेंड चाड़ा और हिलिंग के करीब आकस्मिक जरूरत के अनुसार वन वे के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं दुर्घटना संभावित क्षेत्र क्षेत्रपाल, पागल नाला, गुलाब कोटी, हेलंग और मारवाड़ी से बद्रीनाथ के मध्य आवश्यक साइन बोर्ड लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। यात्रा के समय यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थाई चौकियों और बूथों का निर्माण भी पुलिस की ओर से किया जाता है, जिसके लिए बिरही, पीपल कोटी, तगड़ी, मारवाड़ी तिराहा, जोशीमठ पेट्रोल पंप, गोविंद घाट, लामबगड़ स्लाइडिंग जोन, बद्रीनाथ तिराहा, साकेत तिराहा में स्थान चिन्हित कर अस्थाई चौकी, बूथ और पर्यटक पुलिस चौकी के निर्माण के लिए आवश्यक तैयारियां करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त बद्रीनाथ धाम में अभी जो है 3 से 4 फीट से ज्यादा बर्फ है, उसमें हमारे पीएसी के जवान भी वहाँ तैनात हैं मंदिर की सुरक्षा में, उनसे भी धाम के बारे में जो भी चीजें हैं सुरक्षा संबंधी उनको भी दिशा निर्देश दिए गए और आगे की जो हमारी यात्रा प्रारंभ होगी उसको लेकर एक तरह से एक हमने पूरा उसका सर्वे करके और क्या क्या हमारी प्लानिंग रहेगी उसके क्रम में कार्रवाई की। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंचन गंगा से आगे बद्रीनाथ में करीब 4 से 5 फीट बर्फ है। खराब मौसम को पार कर एसपी चमोली अपनी टीम के साथ पैदल मार्ग से मंदिर परिसर पहुंची थी, जहां मंदिर सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों से उन्होंने हालचाल पूछा और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संदीप आर्य, चमोली, खबरें बीता।